वो था सेल्स एंड टिश्यूज का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यूज की आपकी बताया गया था कि फोर टाइप्स होती हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो थोड़ा सा पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यूज की थ्री टाइप्स थी, और किस बेस पर इनकी थ्री टाइप्स बनाई गई थी, इनके फंक्शन और इनकी लोकेशन के लिहाज से। ठीक है, थ्री टाइप्स कौन सी थी? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू थी, कोबाइडियल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अब इनको जो है इनकी जो सेल्स की लेयर के लिहाज से जो है टू कैटेगरीज में जो है मजीद डिवाइड किया गया था। यानी कि अगर सिंपल लेयर होती है सेल्स की तो उसका बताया गया था, उसको क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, ये आपको बताया गया था कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बताया गया था आपको, कि अगर सिंगल लेयर के होते हैं, जो कि आपको एग्जांपल समझाई थी कि लिए लंग्स में, यानी कि एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में मौजूद होते हैं ये। इसी तरह फिर मैंने आपको बताया था अगर सिंपल लेयर ऑफ कोबाइडियल एपिथेलियल टिश्यूज की, कि अगर ये सिंगल लेयर के सेल एक साथ अटैच हो और इस तरह एक लेयर बना रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंपल कोबाइडियल एपिथेलियल टिश्यूज। और ये आपको बताया था कि ये किडनी वगैरह की ट्यूब्स में मौजूद होते हैं और थायराइड ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आपको थर्ड बताई गई थी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, कि इसकी जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के और डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तो बात थी सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की। और इसके बाद जो आपको मुझे आज जो आपको लेक्चर समझाना है वो इसके आगे का है। यानी कि अगर आपको ये याद हो कि मैंने आपको नंबर ऑफ लेयर्स के लिहाज से सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के साथ एक और नेम भी आपको एक्सप्लेन किया था, कि अगर ये डबल लेयर से बने होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये डबल लेयर से होंगे तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, इसी तरह इसके भी स्ट्रेटिफाइड कोबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यूज होंगे अगर ये डबल होगा लेयर के, और इसी तरह ये भी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज कहलाएंगे अगर ये डबल या उससे ज्यादा लेयर्स के बने हुए होंगे। तो अब जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मैं आपको क्या करने जा रही हूँ? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज को। अच्छा, अब ये देखिएगा जो चार्ट बनाया है मैंने, कि एपिथेलियल टिश्यू जिस तरह थ्री में डिवाइड किया गया है वही लिखा हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियल है, कोबॉइडियल है और कॉलमनर है। ठीक है, फिर इसको जो है सेल्स की लेयर के लिहाज से टू में डिवाइड किया गया है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसी तरह इसके भी सिंपल कोबॉइडियल एपिथेलियल अगर सिंगल लेयर है, और इसकी भी अगर सिंगल लेयर है सेल की तो इसको सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। आज जो एक्सप्लेन होगा वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसको ये स्ट्रेटिफाइड किसको कहा जाता है? कि व्हेन द एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि टू लेयर्स होंगी या टू से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स की होंगी तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए तो ये इस तरीके से इसके सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि पहले एक सिंगल लेयर है
अगर ये सिंगल लेयर सिर्फ हो तो क्या कहा जाएगा, सिंपल स्क्वामल। और यहाँ पे क्योंकि ये एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं तो ये इसकी इस तरीके से हो गए सेल्स। तो ये कहला रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। और ये होते कहाँ पे हैं, ये मौजूद होते हैं स्किन पर और ज्यादातर ये मौजूद होते हैं मेनी डेड क्रिटिनाइज सेल्स। जो क्रिटिनाइज सेल्स क्या होते हैं, जिसमें यानी प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होती है, ऐसे सेल्स। और ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस। यानी कि जब स्किन पर मौजूद होते हैं तो क्या कर रहे हैं कि यानी कि स्किन की सरफेस से जैसे वाटर और न्यूट्रिएंट वगैरह लॉस हो रहे होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन में ये काम आ रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अब सेकंड पे, जिसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड कोबाइडियल एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये किस तरीके से होते हैं, कि ये इस तरह है, क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से ये लेयर्स होती है मौजूद किसकी, स्ट्रेटिफाइड कोबाइडियल एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ज्यादातर मौजूद होते हैं सराउंडेड द डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड। यानी कि जो ग्लैंड्स है माई बॉडी के, उसमें जो है उसके सराउंडिंग में मौजूद होते हैं ज्यादातर। कौन सी ग्लैंड, जैसे मेमरी ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड जो है इन द ब्रेस्ट में, एंड सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। ये इन जगहों पर जो है ये मौजूद होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसकी थर्ड जो टाइप है, जिसको कहा गया है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। अब इसके अगर डायग्राम देखें तो ये किस तरह नजर आते हैं, इनकी जो होती है इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपको इस तरह नजर आते हैं। और ये जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये जो होते हैं बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। और ये ज्यादातर जो मौजूद होते हैं सम ऑर्गन्स में, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है वो आपकी बुक में एक और टाइप बताई गई है, जिसे ट्रांजिशनल एपिथेलियल कहा गया है। के बाद आती है कि आपकी बुक में एक और टाइप बताई गई है, जिसको कहा जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये क्या है, स्पेशल सबसेट है ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का।
ठीक है, यानी कि जो ये ग्रुप में जो लेयर्स में मौजूद हैं सेल्स जो बताए गए थे एक से ज्यादा लेयर में, तो उसी की स्पेशल सबसेट्स को कहा गया है कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम, और ये ज्यादातर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पे मौजूद होते हैं। क्लास आप होमवर्क देख लीजिए, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे ये उसी का रिमेनिंग आंसर है। ठीक है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में कि कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल आपने एपिथेलियल टिश्यूज़ की तीनों जो टाइप्स थी वो लिख ली थी। अब जो है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ है, आप कंटिन्यू रखिएगा जहाँ तक कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। इसके बाद आपने फर्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम की। ठीक है, इसको फिर आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, और जिस तरह पहले आपने लिखे थे पैराग्राफ में सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। ठीक है, इसके ये सिर्फ बताया कि कहाँ मौजूद होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो इसको आप लोग जो है इसी तरीके से लिखिएगा। ये हेडिंग डाल दी, इसके बाद सेकेंड आपने डाल दीजिए स्ट्रेटिफाइड कोबॉर्डियल एपिथीलियम की। ठीक है, आपने फिर इसको एक्सप्लेन कर देना है, नंबर टू करके आपने इसको लिख दीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है आपकी जो एक और रह गई है कौन सी है, थर्ड वाली है। ठीक है, फिर आपने जो है वो थर्ड हेडिंग डालनी है। पहले आप ये इसको पूरा सही से लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है आपने ये वाली जो है थर्ड हेडिंग स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है, ये डाल दीजिएगा। और इसके बाद लास्ट में जो आपको बताया था ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ये लिखिएगा। और एंड में डायग्राम बनानी है बुक पेज नंबर 79 पे, जैसे कॉलम में आपकी पूरी बनी है, पूरी ये पूरी के पूरी आप जो है बुक से बना लीजिएगा। ठीक है, आज तक के लिए आपका इतना ही है, रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।